पीसेस मूवी की शुरुआत 1949 में बोस्टन को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जिसका नाम टिमी होता है। यहां वो अपने घर में एक न्यूड वुमेन की पजल के साथ खेल रहा था। वो इस पजल को सॉल्व कर ही रहा था कि तभी वहां पर उसकी मदर आ जाती हैं और वो टिमी को ये सब करते हुए देख लेती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। फिर वो उसके पजल को भी तोड़ देती है और उसे पीट कर उससे पूछती है कि तुम्हें इसकी आदत कैसे लग गई। इसके बाद वो उसे डस्टबिन लाने को कहती है ताकि वो उस पजल को जला सके और उसे फेंक सके। और जब टिमी डस्टबिन लेने जाता है तो उसकी मदर उसके कमरे में चेक करने लगती है ताकि उसे पता चले कि उसने अपने कमरे में और भी पजल तो नहीं रखे। लेकिन तभी वहाँ पर टिमी आ जाता है जो कि डस्टबिन की जगह एक एक्स यानी कि कुल्हाड़ी लेकर आया होता है। तभी वो बहुत ही बेरहमी से अपनी मदर को काट कर मार डालता है जिसकी उसकी मॉम की वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। फिर टिमी अपनी मदर की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और पूरे कमरे में अलग अलग जगह फेंक देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि टिमी एक साइको लड़का है। इसके बाद जब उसकी पड़ोसी उसके घर पर आती है तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है, तो वो तुरंत ही पुलिस को बुला लेती है। फिर जब पुलिस यहाँ आती है तो टिमी उनको झूठ बोलता है और कहता है कि उसकी मदर को एक बड़े से काले आदमी ने मारा है। अब क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा था इसीलिए पुलिस आसानी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है, जिससे अब ये साइको खुलेआम घूमने लगता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें 40 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक काले कपड़े पहने हुए एक आदमी को देखते हैं जो कि एक कॉलेज में जाता है। इसी दौरान उसके हाथ में एक चेनसो भी होता है। तभी वो आदमी वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि अपना सब्जेक्ट पढ़ रही होती है। कुछ देर बाद जब वो अपनी क्लास में जाने लगती है तभी वो अनजान आदमी अपनी चेनसो से उस पर अटैक कर देता है और उसकी बॉडी के टुकड़े कर देता है और उसका सर काट कर अपने साथ ले जाता है। अब कॉलेज में हुए इस इंसिडेंट से पुलिस भी काफी हैरान होती है। अब इस केस को क्लियर करने के लिए दो पुलिस ऑफिसर ब्रेकन और उसका पार्टनर होल्डन इस केस को अपने हाथ में ले लेते हैं और दोनों इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर मर्डर किसने किया है और उसका सर कहां गया। इसके बाद हम उसी किलर को देखते हैं जो कि एक पजल को उसके सर पर रखकर सॉल्व कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि 40 साल पुराना लड़का टिमी है जिसने अपनी मदर को ही मार डाला था और अब वो काफी बड़ा हो गया था। इसके बाद हम उसी कॉलेज में एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर होती है। फिर वो लड़की अपनी क्लास खत्म करके लाइब्रेरी में जाती है जहां पर वो एक लड़के से मिलती है। तभी वो उस लड़के को एक लेटर लिखकर देती है और वहां से चली जाती है। फिर जब वो लड़का उस लेटर को देखता है तो उसमें लिखा होता है कि वो उसके साथ स्विम करना चाहती है और वो स्विमिंग पूल में आ जाए। अब ये देखकर वो लड़का बहुत ही खुश होता है। इधर वो लड़की स्विमिंग पूल के पास उसका इंतजार कर रही होती है। फिर वो पूल में जाकर वहां पर स्विमिंग करने लगती है। इधर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि लेटर पढ़कर बहुत ही खुश होता है और उसे कोई और न पढ़ पाए इसीलिए वो उसे वहीं पर डस्टबिन में डाल देता है और उस लड़की के साथ स्विमिंग करने के लिए चला जाता है, क्योंकि ऐसा मौका छोड़ने वाला तो कोई नहीं होता। लेकिन वो लेटर डस्टबिन में नहीं जाता बल्कि वहीं अलग गिर जाता है। तभी वहां पर वो सीरियल किलर आ जाता है और वो उस लेटर को पढ़ लेता है। इसके बाद वो उन्हें मारने के लिए पूल एरिया की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पर भी उसने काला कपड़ा पहना होता है। तभी वो स्विम कर रही उस लड़की को एक नेट के जरिए पानी से बाहर निकालता है। इसके बाद वो अपनी चेनसो निकालता है और बड़ी ही बेरहमी से उस लड़की को काट कर मार डालता है। फिर वो उस लड़की की बॉडी को काट कर अपने साथ ले जाता है और उसे एक सीक्रेट रूम में रख देता है। अब यहाँ पर हम उस लड़की का सर भी रखा हुआ देखते हैं जिसे उसने पिछली बार मारा था और ये सब देखकर हमें लग रहा था कि वो लोगों के अलग अलग तरीके के अंग काट कर एक नई बॉडी बना रहा है, यानी कि अब उसे दो हाथ और दो पैरों की जरूरत है ताकि वो अलग अलग लड़कियों को मार कर उनके हाथ और पैर काट कर एक बॉडी जोड़ सके। और ये काम ऐसा था जैसा कि वो बचपन में पजल सॉल्व करता था। इसके बाद जब टिमी वहां से बाहर निकलता है तभी बिलार नाम का एक लड़का उसे देख लेता है और हम यहाँ पर एक नया चेहरा देख पाते हैं। तभी उसे यहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर देख लेते हैं जो कि उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन टिमी काफी ताकतवर और पावरफुल था, वो उन पुलिस ऑफिसर को पीट कर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर हमें एक कंफ्यूजन होता है कि जब टिमी ने उन दोनों लड़कियों को मारा था तब उसने काले कलर के कपड़े पहने थे, लेकिन ये आदमी जिस पर पुलिस ने अटैक किया था इसने काले कपड़े नहीं पहने थे। साथ ही ये आदमी इसी कॉलेज में गार्डनिंग का काम करता था, तो क्या ये टिमी था इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। इधर अब पुलिस को पता चल जाता है कि उन दोनों लड़कियों को एक ही आदमी ने मारा है, जिससे अब ये सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके बाद पुलिस बिलार्ड से पूछताछ करती है क्योंकि उसने और कुछ पुलिस ऑफिसर ने टिमी को देखा था, लेकिन इन्हें ये बात पता नहीं होती कि वो आदमी टिमी था या कोई और। अब अगले दिन हम कॉलेज में कुछ और स्टूडेंट को देखते हैं जो कि डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इनमें एक लड़की इस ग्रुप की लीडर होती है। तभी हम वहाँ पर टिमी को भी देखते हैं जो कि उन लड़कियों को डांस करता हुआ देखता है। यहाँ पर उसकी नजर मैरी नाम की एक लड़की पर होती है जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने होते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस खत्म करके मैरी जब अकेले में होती है तभी टिमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी
वहाँ पर मैरी की फ्रेंड आ जाती है, जिससे अब मैरी उसके हाथ से बच जाती है। लेकिन टिमी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। अब अगले दिन मैरी जब अपनी प्रैक्टिस खत्म करके घर वापस जा रही होती है, तो तभी टिमी उसे अकेला देखकर अपनी चेनसो लेकर उसके पीछा करने लगता है। इधर मैरी लिफ्ट में पहुंच जाती है, लेकिन टिमी भी अपनी चेनसो लेकर लिफ्ट में आ जाता है, जिसके बाद वो उसे बड़ी बेरहमी से काटने लगता है। अब उस लड़की की चिल्लाने की आवाज वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस ऑफिसर सुन लेते हैं और वहाँ पर जाने लगते हैं। और फिर ये जब वहाँ जाकर लिफ्ट को चेक करते हैं, तब टिमी उसके हाथ काट कर अपने साथ ले जा चुका होता है, और नीचे आने से पहले ही वो किसी और फ्लोर पर उतर कर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। इसके बाद वो अगली रात में ऐसे ही किसी और लड़की को मारता है, और इस बार वो उसके दोनों पैर काट कर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद अब उसने जिन लड़कियों को मारा था वो उन सभी के बॉडी पार्ट को मिलाकर सिल लेता है और एक पूरी बॉडी तैयार कर लेता है। लेकिन जब वो अपनी मदर के सूज उस बॉडी के पैरों में पहनाता है, तो वो सूज फिट नहीं आते, इसीलिए अब वो फिर से किसी और लड़की को मारने की सोचता है। इसके बाद अगले दिन वो एक टेनिस प्लेयर लड़की को चुनता है, जिसका नाम केटी होता है। फिर जब वो वॉशरूम में नहा रही होती है, तो तभी टिमी वहाँ आकर केटी पर चेनसो से अटैक करके उसके दोनों पैरों को काट लेता है और अपने साथ ले जाता है। फिर जब वो दोबारा अपनी मदर के सूज उसके पैरों में पहनाता है, तो वो फिर से फिट नहीं होते। अब ये देखकर टिमी उस स्कूल की एक टीचर को मारने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक टीचर को देखते हैं, जहां वो टीचर उस कॉलेज के डीन के पास आई होती है, क्योंकि यहां उन्होंने उसे कॉफी पिलाने के लिए बुलाया होता है। इसके बाद डीन उस टीचर को कॉफी पिलाता है, लेकिन उस कॉफी को पीने के बाद उस टीचर को पैरालाइज्ड हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, क्योंकि उसने पहले ही उसकी कॉफी में कुछ मिला दिया था। और यहां हमें पता चलता है कि वो मोटा आदमी जो कि गार्डनिंग का काम करता था, असल में वो टिमी नहीं था। और यहाँ पर उस मोटे आदमी की सच्चाई का खुलासा होता है, क्योंकि हमें लग रहा था कि वो मोटा आदमी ही टिमी है, जबकि टिमी कोई और था, बल्कि टिमी तो इस कॉलेज का डीन था। इसके बाद टिमी अब इस टीचर को मारने वाला था, क्योंकि उसे इस टीचर के पैरों की जरूरत थी। इधर कॉलेज के एक स्टूडेंट की मदद से पुलिस को टिमी के बारे में सब कुछ पता चल गया था, जिससे पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए वहां पहुंच जाती है। लेकिन तब तक टिमी यानी डीन यहां से भाग चुका होता है। ये देखकर पुलिस उसे ढूंढने वहां से बाहर जाती है, लेकिन तभी डीम वापस से घर में आता है और उस टीचर को मारने की कोशिश करता है, ताकि वो उसके पैर काट सके। तभी पुलिस के साथ वहां पर वो स्टूडेंट डीन को रोकने की कोशिश करता है, और तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और उसका एनकाउंटर करके उसे जान से मार देती है, जिससे अब ये फाइनली ये साइको यानी कि ये लड़कियों का कातिल टिमी मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। सो लव यू, टेक केयर एंड